So today we are going to start the topic eddy current. What is eddy current actually is? तो eddy नाम है किस चीज का कि आपने देखा होगा कि जब किसी पानी वाले हिस्से के अंदर चाहे वो oceans वगैरह हो उसके अंदर एक बहुत बड़ा whirlpool टाइप का whirls क्रिएट होती है जिसको whirlpool भी बोला जाता है और उन्हीं को eddies भी बोलते हैं. तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है ना, हिंदी में उनको भंवर बोलते हैं कि भंवर पड़ गया इस तरह का कुछ पानी के अंदर. तो इसको हमने क्या नाम दे रखा होता है, एडीज, एडीज या वर्लपूल, वाटर वर्लपूल. तो इसी के बेस पर है कि करंट को हमने कुछ नाम दिया एडी करंट. क्यों? क्योंकि वो कुछ शेप वाइज इस तरह की सिमिलैरिटी शो कर रही होंगी. अब वो कहाँ शो कर रही होंगी वो देखते हैं हम. तो अभी तक हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा इस चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर, ईएमआई के अंदर, वो हमने ये जाना कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स होगा चेंज, और अगर वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो रिलेटेड रेस्पेक्टिव कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और उस इंड्यूस ईएमएफ के कारण उसके अंदर एक करंट इंड्यूस होगी, और वो करंट इंड्यूस इस वजह से होती है ताकि वो अपने होने का, अपने इंड्यूस होने का, अपने प्रोड्यूस होने का अपोज कर सके. ठीक है, दैट वॉज द कॉन्सेप्ट. ठीक इसी तरह से तो ये सारी चीजें जब अभी तक हमने देखी उसके अंदर हम यूज कर रहे थे क्या, कॉइल. लेकिन व्हाट इफ वी वोंट बी यूजिंग कॉइल, इफ विल बी यूजिंग मेटलिक ब्लॉक्स, मेटलिक शीट्स, यानी कि सॉलिड ब्लॉक. अभी तक तो क्या था कि कॉइल थी, सो कॉइल थी, इसके अंदर से फील्ड लाइन्स पास हो रही थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही थी, जिसको हम बोल रहे थे कि इससे पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, इस तरह का कुछ. लेकिन अगर ये पूरा का पूरा सॉलिड हो जाए, बीच वाला हिस्सा भी, तो ये शीट में प्लेन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. तो अब क्या कॉन्सेप्ट होगा? तो बहुत से लोग कह सकते हैं कि इसमें करंट होगी, बहुत से लोग बोलेंगे करंट नहीं होगी. बहुत से लोग इसलिए बोल सकते हैं कि मान लीजिए कि ये शीट है, ये शीट है, तो अगर ये मेटेलिक शीट है तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन हर जगह पर ही है. हम बोलते हैं कि इसका अगर पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाए तो वो एक तरह से इन दो टर्मिनल्स के बीच में दूंगा तो इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे इस तरह से होंगे. ठीक है, चारों तरफ तो जनरली हमने पोटेंशियल डिफरेंस देखने को जनरली नहीं मिलता, तो वो हमारे माइंड में आ भी नहीं पाता. क्योंकि इसके अंदर अगर कहीं पे भी या तो आप इधर लगाओगे, इधर लगाओगे, तो पोटेंशियल जिस जिन दो पॉइंट्स के बीच में लगाओगे, आपने ऐसे लगा दिया तो करंट इस तरीके से प्रोड्यूस होगी, इन दो पॉइंट के बीच में लगा दिया तो करंट इस तरह से प्रोड्यूस होगी, इन दो पॉइंट्स के बीच में लगा दिया तो करंट इस तरीके से प्रोड्यूस होगी. लेकिन ये हुआ कि एक लीनियर फॉर्म के अंदर करंट प्रोड्यूस होगी क्योंकि चार्ज की मोशन स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, तो लेकिन अगर कुछ इस तरह का कोई सिस्टम कर दें कि मान लीजिए यहां पर भी इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट ऐसे जा रही है, फिर मान लीजिए कि यहां से कोई ऐसा सिस्टम कर दूं कि इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है तो यहां से होकर के यहां आ जाए, यहां आ जाए, आ जाए, तो इसके अंदर ही कुछ ऐसा सिस्टम जिसकी वजह से करंट पूरी की पूरी इसी के इस मेटेलिक ब्लॉक के अंदर ही, प्लेन सरफेस पर ही पूरी की पूरी, या शीट के अंदर जो भी हिस्सा है उसके अंदर प्रोड्यूस हो रही हो, उसी को बोला जाएगा क्या, एडी करंट. अब वो कैसे हो रहा है, इसका भी रीजन ईएमआई है. तो पहले हम बात करते हैं साहब यहां पर सिंपली कि व्हाट इज एडी करंट. सो व्हाट इज एडी करंट, एडी करंट इज एन इंड्यूस करंट, इज एन इंड्यूस करंट, इज एन इंड्यूस करंट which induces in a metallic block or sheet when the magnetic flux थ्रेडिंग मतलब पासिंग. अब थ्रेडिंग इसलिए बोल रहे हैं कि भाई डायरेक्टली पास नहीं हो रहा, थ्रेडिंग बोल दिया, अभी देखेंगे उसका मतलब भी. तो थ्रेडिंग मतलब आप अभी ये मान लीजिए कि पासिंग, व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रेडिंग थ्रू दैट शीट या मेटल शीट, मेटल ब्लॉक और मेटल शीट चेंजेस,
विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एडी करंट क्या है? एक इंड्यूस करंट है। तो होती क्या है ये, कब इंड्यूस होती है? जब भी एक मेटल ब्लॉक से पास होने वाला या उससे थ्रेड होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहे। ठीक, इसको कैसे समझे? तो इसको समझने के लिए मैंने क्या किया कि मान लीजिए मैंने ये मैग्नेट ले लिए, ठीक है, ये मैग्नेट ले लिए और आमने सामने रख दिए। ठीक, मान लीजिए एक है नॉर्थ और एक है साउथ, या चलो इधर का नॉर्थ बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए, और यह है साउथ। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से आ रही है, ऐसे आ रही होंगी, ऐसे आ रही होंगी। इसके बीच में अभी अगर हम एक कॉइल रखते तो क्लियरली इस गैल्वेनोमीटर के अंदर एक डिफ्लेक्शन आता अगर ये मैग्नेट को हम मूव करवाते। तो ये सभी को पता है कि जब भी कॉइल होती और यहां पर हमने एक मैग्नेट हम लेकर के आते थे, इस मैग्नेट को अगर आगे की तरफ लेकर के आते थे तो क्या होता था, इसके अंदर एक करंट इंड्यूस होती थी और वो इस तरह से होती थी कि वो अपने इंड्यूस होने का, अपने प्रोड्यूस होने का अपोज कर सके। तो वो अपोज कैसे करती? तो हमें समझ में आ रहा है कि आगे आ रहा है तो हो क्या रहा है, बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। पहले 3 लाइंस थी, पास और लेकर के आएंगे तो ज्यादा लाइंस पास होने लग जाएगी, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। तो ये चाहेगी नहीं, एक करंट इस तरह की प्रोड्यूस होगी कि वो नहीं चाहेगी कि इसकी मोशन मेरी तरफ हो। तो मोशन, मैग्नेट की मोशन को अपोज करने का काम कर रही थी कौन? कॉइल। वो कैसे कर सकती है, इस मैग्नेट की मोशन को कैसे अपोज कर सकती है, क्या क्रिएट करे ऐसा जिससे इसकी मैग्नेट की मोशन को अपोज किया जा सके? जल्दी बताइए क्या करेगी मैग्नेट? नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा, नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा, यानी कि इस पर एक रिपल्सिव फोर्स लगाए। रिपल्सिव फोर्स तभी लगा सकते हैं जब नॉर्थ के सामने कोई नॉर्थ पोल प्रोड्यूस हो, तो करंट इस तरह से फ्लो होगी इस कॉइल के अंदर कि ये नॉर्थ पोल डेवलप कर ले, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाए, ताकि इसके थ्रू अब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इधर होगा और वो इसकी मोशन का अपोज करेगा। ठीक इसी तरह से जब ये मैग्नेट दूर जाएगा तो क्या होगा, इसके दूर जाने का भी अपोज किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो इंड्यूस करंट होती है उसका सिर्फ एक ही काम है, रिलेटिव मोशन का अपोज करना। दूर जाने नहीं देगी, पास आने नहीं देगी। ठीक है, रुका हुआ है, अगर मैग्नेट रोक लिया तो करंट को कोई दिक्कत नहीं है, वो करंट प्रोड्यूस ही नहीं होगी, करंट विल बी जीरो। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा। यही काम अब मैंने कॉइल को हटा दिया, अब क्या कर दिया, यहां पर एक मेटल शीट रख दी साहब, मेटल शीट रख दी इस तरीके की, मान लीजिए ये मेटल शीट रख दी और इसको हैंग कर दिया मैंने कहीं पर। ठीक है, ये मेटल शीट को हैंग कर दिया। अब इसमें से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके क्रॉस सेक्शन से पास हो रही हो उसको हमने क्या बोल दिया, मैग्नेटिक फ्लक्स। अभी राइट नाउ सब कुछ पूरा सिस्टम स्टेबल है, इसका मतलब अगर 3 लाइंस पास हो रही है तो 3 लाइंस ही पास हो रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज जीरो, तो कोई करंट इंड्यूस नहीं होने वाला। ठीक, अगर मैं यहां पर मैग्नेट को आगे लेकर क्या हूं, तो इसके अंदर भी तो फ्री इलेक्ट्रॉन, जैसे कॉइल के वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, वो अपने आप को घुमा दे रहे थे इस तरीके से कि वो इस मैग्नेट के पास आने का अपोज करते। तो ठीक ऐसे ही अभी सोचिएगा कि क्या करने वाले हैं। बुक्स में जनरली, बुक्स में जो होता है वो पहले बता देता हूं, इसको मूव करवाना है अभी हमें, मैग्नेट स्टेबल रहेंगे। लेकिन मैं पहले कैसे समझा रहा हूं, जो हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है उसी तरीके से जिससे आपको इजीली समझ में आया कॉन्सेप्ट। अगर मैं मान लीजिए इस मैग्नेट को मूव करवाता, क्या होता, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होता, इंक्रीज होता तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता। अगर चेंज आता तो ये जो शीट है हमारे पास, इस मेटलिक शीट के अंदर क्या है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है पूरी इस प्लेन सरफेस पर, तो ये बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये क्या करेंगे, ये सब मिलकर के डिसाइड करेंगे कि हमें इस मैग्नेट को पास नहीं आने देना है। पास नहीं आने देना तो ये कहेंगे कि चलो क्या डेवलप करें, एक
करंट डेवलप करें, करंट के थ्रू बेसिकली क्या डेवलप करें, फाइनली क्या डेवलप कर दें, इसको अपोज करने जैसा एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करें। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जानते हैं कि अगर हम मोशन में आ जाएंगे तो हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, करंट, और करंट जब फ्लो होगी तो उसके उसके थ्रू क्या प्रोड्यूस होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड। तो उन्होंने कहा कि अगर हम लीनियरली मूव कर गए तो सर्कुलर पैटर्न के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, क्योंकि अगर लीनियर मूव करेंगे तो करंट कैसी होगी, लीनियर, और लीनियर अगर करंट होती है तो हमने देखा था और स्टेट एक्सपेरिमेंट से कि जो मैग्नेटिक फील्ड इसके सराउंडिंग में बनता है वो सर्कुलर पैटर्न में बनता है। लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से आ रही है, हमें कैसा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए समझने के हिसाब से, स्ट्रेट वाला। स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए करंट कैसी चाहिए, सर्कुलर। तो ये इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली इस मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने के कारण अपने आप को किस तरह से अलाइन करें जिससे करंट सर्कुलर बने, सर्कुलर फॉर्म में। तो अब सोचो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो मैग्नेट है, ये जो मैग्नेट है, ये जो पास आ रहा था, इसका अपोज करना है। तो बेसिकली मुझे यहां पर करंट, बेसिक करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करवानी है ताकि यहां क्या जनरेट हो सके, नॉर्थ पोल। अगर ये आई की डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, तो इलेक्ट्रॉन्स सब अपने आप को किस फॉर्मेट में अलाइन करेंगे, क्लॉकवाइज में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है। तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये यहां पर, इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने घूमना चालू कर दिया इसकी इस तरह की डायरेक्शन में, जो जहां था वो वहीं पर सर्कुलर पैटर्न में घूमना चालू हो गया। तो यहां वाले जो इलेक्ट्रॉन थे ये कुछ ऐसे, ये कुछ ऐसे, ये कुछ ऐसे, ये कुछ ऐसे घूमना चालू हो गए। उससे हुआ क्या, ये वाली करंट जनरेट होना चालू हुई। इन सबके कारण नेट क्या बन गया, एक नॉर्थ पोल। ये क्या कर रहा होगा, इस मैग्नेट के पास आने का अपोज कर रहा होगा। तो ये जो करंट बनी इन सर्कुलर पैटर्न्स में, मेटलिक ब्लॉक्स में, ये कुछ इस तरीके की बनती है, ये इस तरीके की। और मोर अप्रोप्रिएटली बोलूं तो जनरली बुक्स में शो नहीं होगा, लेकिन ये पूरी थिकनेस है, अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन थोड़े बहुत जो प्लेन सरफेस पे तो होते ही है, कंडक्शन लेवल पे तो होते ही है, लेकिन अंदर तक के जो इलेक्ट्रॉन है वो भी अगर घूम जाए तो कुछ इस तरह का पैटर्न मुझे नजर आ सकता है। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन पर थोड़ा रिपल्शन कम लगेगा, ये देखो ये बन गया आपका क्या, एडीज हो गई ना, एडीज वर्लपूल टाइप का क्रिएट हो गया। इसीलिए इसको, इस करंट के फॉर्मेशन को हमने क्या नाम दे दिया है, ये ठीक वैसे है जैसे आप पानी की बकेट लो, बकेट लो, अगर किसी को फिर भी रियलाइज नहीं हो रहा है कि कैसी होती है एडीज, है ना, तो आप पानी की बकेट लो, सुबह जब नहाते हो तब उस टाइम पर हाथ से तेज तेज बीच में उसको रोटेट करवा दो वाटर को, और उसके अंदर कोई छोटा सा टुकड़ा डाल दो, तो आप देखोगे कि वो जल्दी से पूरा ऊपर सरफेस के साथ घूमता घूमता नीचे आ गया। वही क्या है, वो एडीज फॉर्मेशन है। तो इसी वजह से इस तरह की करंट के प्रोड्यूस होने को नाम दिया है क्या, क्या, एडीज करंट। क्योंकि इट वॉज डिस्कवर्ड बाय फुकाल्ट इन 1895, दैट्स व्हाई इट हैज ऑल्सो गिवन द नेम फुकाल्ट करंट। बुक्स में ये वाली एक्सप्लेनेशन नहीं दी जाती जो अभी मैंने बताई, लेकिन इससे समझ में इजीली आता है, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू दैट मेथड। अभी बुक में क्या हो रहा है अभी वो भी दिखाते हैं आपको कि एनसीईआरटी और बुक्स किस तरह से एक्सप्लेन करती है। तो पहले ये बताइए यहां तक कितनों को अच्छे से समझ में आ गया। तो देखिए साहब, अब इसको फिर से एक्सप्लेन करते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम मेटलिक शीट को मूव कराएंगे। तो अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में होगा चेंज तो वो मोशन का करेगा क्या अपोज, किस तरह से, बाय इंड्यूसिंग सम करंट। ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट मैग्नेट दूर जा रहा होता तो इसके अंदर किस तरह की करंट जनरेट होती, साउथ, क्योंकि इसका काम क्या था, दूर जाने से रोकना। दूर जाने से रोकने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, अट्रैक्ट या रिपेल, अट्रैक्ट। दूर जाने से किसी को रोकना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, अट्रैक्ट। तो यहां पर कौन सा पोल जनरेट होगा, साउथ पोल। ठीक है, साउथ पोल जनरेट हो तो करंट किस तरह से होनी चाहिए, क्लॉकवाइज।
तो यहां पर इलेक्ट्रॉन अपने आप को नॉर्थ पोल छोड़ करके क्या बना देंगे, नॉर्थ पोल को छोड़ देंगे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को छोड़ के कैसी रोटेशन चालू कर देंगे, क्लॉकवाइज। कब? जब ये दूर जा रहा होगा और पास आ रहा होगा, तो फिर क्लॉकवाइज को छोड़ करके ये वापस से एंटी क्लॉकवाइज बन जाएंगे। तो पास लाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, और जैसे दूर ले जा रहे होंगे वो तुरंत छोड़ करके क्लॉकवाइज बनना चालू हो जाएंगे। ये हुआ कब? जब हमने मैग्नेट की मोशन कराई। अब माइंड में ये ध्यान रखना है कि अब मैग्नेट को स्टेबल कर दूं और इसको मूव कराऊं तो भी कॉन्सेप्ट सेम रहना चाहिए। इसके अंदर, इस शीट के थ्रू अगर मैग्नेटिक, इससे पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो, तो वो चेंज इसकी मोशन का अपोज करेगा, क्योंकि इस टाइम पे ये स्टेबल है, पहले ये स्टेबल था, ठीक है, और इनको इसकी रिलेटिव मोशन का अपोज कर रहा था। तो जब ये मोशन में होगा तो भी ये क्या करेगा, अपनी मोशन का अपोज करेगा, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें से जब चेंज हो रहा होगा तो ये अपने अंदर इस तरह की शीट के अंदर इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से इसके अंदर ओरिएंटेड होंगे, ओरिएंटेशन कर लेंगे अपनी, ताकि जो भी करंट प्रोड्यूस है हो वो इसके मोशन का क्या कर सके, ये चाहेगा कि रेस्ट पे हूं रेस्ट पे ही रहे। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, यही वाला, कि अगर मैंने एक पेंडुलम ले लिया इसी शेप में, दिख ही रहा है आप लोगों को कि पेंडुलम जैसा है, प्लेन शीट ले ली है ना, इसका जो बॉब है वो कैसा है, रेक्टेंगुलर शेप मान लिया, या आप सर्कुलर शेप भी ले सकते हो, डजंट मैटर, शीट है, प्लेन शीट, ठीक है। तो ये दो मैग्नेट ऐसे हैं सामने, आमने सामने, और उनके बीच में ये शीट ऐसे रख दी है मैंने, ठीक है, ठीक इस तरीके से, ये ऐसे, ठीक है, ये जो इस तरीके थी ये इस तरीके से रख दी, और इसको मैंने हैंग कर दिया सा, ये इस तरीके से मूव करेगी, एक मैग्नेट इधर है और एक मैग्नेट इधर है, तो ये इस तरीके से मूव करेगी, ठीक है। अच्छा, अब जब ये मूव करेगी तो कॉन्सेप्ट समझिएगा कि इस पेंडुलम को मैंने दिया धक्का इधर एक बार, यानी कि मैंने प्रोवाइड करवा दिया अभी मोशन इनिशियली इसको बिगिन करने के लिए। तो जब ये पेंडुलम, यानी कि ये शीट इधर मूव कर रही होगी, किधर की तरफ, आई कैप डायरेक्शन के, माइनस आई कैप डायरेक्शन में हमने बोल रखा है नॉर्थ टू साउथ, क्या, मैग्नेटिक फील्ड, और हम इसको इनवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं, यानी कि माइनस के कैप के अंदर हम भेज रहे, माइनस के कैप के अंदर क्या वेलोसिटी, यानी कि मोशन हमने इसको दे दी। तो क्या होगा, अभी यहां पर है तो आप समझ सकते हैं कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू इट, यस और नो, जल्दी जल्दी, हाँ ना बोलो भाई, क्या जब ये बीच में रखा हुआ है इन दोनों के बीच में, तो उस टाइम पे दो मैग्नेट के बीच में जो शीट रखी है, क्या इस टाइम पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स इज पासिंग थ्रू इट, यस और नो? यस सर। जैसे ही ये बाहर निकलेगा, जैसे इसका थोड़ा सा भी हिस्सा बाहर निकलेगा, क्या इसका मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा कि डिक्रीज? डिक्रीज। जैसे जैसे बाहर निकलता जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होना चालू हो गया? डिक्रीज। इसके अंदर मोशन उधर आ गई और मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होने लग गया, इसका मतलब क्या बोल दूं क्या कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो गया? यस सर, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो गया। तो इसके इलेक्ट्रॉन चाहेंगे नहीं कि हमसे पास होने वाला, अगर पहले मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम था तो ये नहीं चाहेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो, ये वापस क्या चाहेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज ही रहे, उतना ही रहे, इंक्रीज नहीं उतना ही रहे। ये उन्होंने सोचा ये क्यों हो रहा है डिक्रीज, क्योंकि मोशन किधर हो रही है, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ हो रही है। तो बाहर की तरफ हो उसको ये इलेक्ट्रॉन्स क्या चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे कि वापस ये अंदर आ जाए, ये वापस अंदर आए। इसके लिए अगर मैं इधर की तरफ से मैं देख रहा हूं साहब, ये नॉर्थ है, नॉर्थ के सामने देख रहा हूं, ये हिस्सा देख रहा हूं, इधर वाले की बात नहीं कर रहा, उधर से देखेंगे तो फिर इधर की बात करेंगे। तो अभी हम एक तरफ से समझ रहे, ये नॉर्थ मेरी तरफ, नॉर्थ के सामने मैं देख रहा हूं, ये जब इस तरीके से बाहर आया, बाहर आते ही इलेक्ट्रॉन चाहेंगे कि वापस कहां रहे, अंदर। ये जो बाहर जा रहा था इस मैग्नेट के सामने से, ये चाहेंगे इलेक्ट्रॉन क्या चाहेंगे, इसको वापस अंदर खींच के लाना। अंदर खींच के लाने के लिए नॉर्थ से ये जो चीज बाहर जा रही थी उसको वापस नॉर्थ की तरफ लाने के लिए कौन सा पोल जनरेट करना पड़ेगा? साउथ। अट्रैक्ट करना पड़ेगा ना भाई, ये यहां पे मैग्नेट है, ये इससे दूर जा रहा है, बाहर निकलने का मतलब इससे दूर जा रहा है, तो इसको वापस पास लाऊं तो अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये जिस टाइम दूर जा रहा होगा, अंदर से बाहर निकल रहा होगा, उस टाइम इसके अंदर, इस शीट के अंदर कौन सा पोल जनरेट हो जाना चाहिए इस नॉर्थ के सामने? साउथ। साउथ। साउथ।
तो हमने लेकिन क्योंकि इस पर एक फोर्स हमने एक्सटर्नली लगाया था जिसके कारण ये पेंडुलम मूव किया, तो एक फोर्स तो इधर की तरफ लग रहा है एफ एक्सटर्नल जो मैंने अप्लाई किया, और एक फोर्स इधर की तरफ लगेगा जिसको ही बोल रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स कहां से आया होगा, क्योंकि करंट एक इंड्यूस होगी, इंड्यूस इस तरीके से होगी कि इसके अंदर साउथ पोल जनरेट हो जाए। साउथ पोल जनरेट होने के लिए कैसी करंट जनरेट होगी, क्लॉकवाइज लूप टर्म्स के अंदर जनरेट होगी। अच्छा कोई कहेगा कि सर पूरा ब्लॉक है तो ये ऐसे पास पास क्यों नहीं आ सकती, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नाम की भी तो कोई चीज होती है ना, तो इस तरह से लूप्स की फॉर्म के अंदर करंट जनरेट क्यों लूप भी क्यों सर, बस ये ऐसे ही चली जाती तो आप ये कोई जरूरी नहीं है कि सर्कुलर है, ये ऐसा है तो इसको भी लूप ही बोल रहे हैं। ये देखो बस मेन बात क्या है, सर्किट शुड बी क्लोज, करंट फ्लो होने के लिए भाई सर्किट का क्लोज होना जरूरी है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना कि सर्कुलर है, सर्कुलर का मतलब क्या है, क्लोज लूप बना रही है ये वाला शेप में करंट जनरेट होगी जिस फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स ओरिएंटेड थे। तो ये जनरेट हो गई, क्या इलेक्ट्रॉन आए होंगे इधर, ये जो मैं भी जो भी डायरेक्शन बनाऊंगा मैं किसकी बना रहा हूं, कन्वेंशनल करंट की, उसका जिस भी डायरेक्शन में करंट आ रही है उसका मतलब आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में अज्यूम कर लेंगे क्या ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या मूव कर रहे होंगे इलेक्ट्रॉन। मैं सिर्फ क्या शो करूंगा अभी करंट, जिसके थ्रू हम डायरेक्टली क्या समझ पाएंगे कि ये कौन सा पोल जनरेट हुआ है, साउथ। तो जैसे ही बाहर गया, बाहर जाते ही इसके अंदर कौन सा पोल धीरे धीरे जनरेट होना चालू हो गया, साउथ। जैसे जैसे बाहर जा रहा है साउथ पोल जनरेट हो रहा है, साउथ पोल जनरेट हो रहा है। तो होगा क्या, इसके ऊपर हमने जो फोर्स दिया मान लीजिए 100 न्यूटन का, लेकिन क्या इसके ऊपर इस साउथ पोल के कारण एक अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा जब यहां बाहर आ जाएगा, ये सुनो। तो ये अट्रैक्शन फोर्स इसको वापस इधर लाने की कोशिश करेगा, लेट सपोज ये 100 न्यूटन तो नहीं है, मान लिया मैंने 10 न्यूटन जितना फोर्स लगाया, तो ऑसिलेशन 100 न्यूटन के कारण मान लीजिए शुरू में यहां से यहां तक आ रहा था, ये ऐसे था यहां आ रहा था, अब ये क्या होगा 10 न्यूटन के कारण इसमें नेट फोर्स कितना रह गया, जल्दी बोलिए 90 न्यूटन। तो ये जब अब यहां वापस आएगा तो इधर की तरफ जाएगा तो ये 100 न्यूटन जितना ही दूर जाएगा या उससे 90 न्यूटन जितना ही दूर जा पाएगा, 90 न्यूटन जितना। अब सोचो कि जब ये अंदर आ रहा होगा, अब अंदर आ रहा होगा, फिर से इलेक्ट्रॉन को गुस्सा आ गया कि अब तू पहले बाहर क्यों गया था, है ना, सिंपल सी बात है। ये तो चाहते ही नहीं कि हमारे अंदर करंट इंड्यूस हो, तो जब ये बाहर जा चुका होगा तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो चुका होगा, जीरो। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो चुका होगा, पूरा जब बाहर निकल जाएगा जीरो, और उस टाइम तक ये पूरा साउथ पोल जनरेट कर चुके होंगे इलेक्ट्रॉन घूम घूम करके, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो चुकी होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसकी वजह से ये वापस से इधर आएगा, तो 100 न्यूटन जितनी दूरी ट्रेवल ही नहीं कर पाएगा, 90 न्यूटन जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके ये वापस आने की कोशिश करेगा। जैसे ये वापस आएगा, ये इसकी क्या, इसके अंदर धीरे धीरे वन मैग्नेटिक फील्ड लाइन, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन, क्या वापस से मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, यस सुनो, यस सर, यस सर। अब शीट जा रही है अंदर वापस, बाहर से आ रही है अंदर, लेकिन इलेक्ट्रॉन अब नहीं चाहेंगे तू एक बार बाहर गया क्यों, अब तुझे अंदर नहीं आने देंगे। तो वो इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव होंगे कि वो जो बाहर निकला हुआ था इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, वो इसके अंदर आने का भी क्या करेंगे, अपोज। तो इसकी मोशन हो रही है इधर, ये इस पर फोर्स किधर लगाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में कैसे लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, कौन सा पोल जनरेट करके, रिपल्शन फोर्स। भाई इसको अंदर नहीं आने देना ना, तो क्या करें, बाहर जा, दूर जा, दूर जाने के लिए रिपल्शन। रिपल्शन क्या मतलब, नॉर्थ के सामने कौन सा पोल जनरेट होगा। तो अब जो पहले ये साउथ में करंट गई थी, वो करंट पलटी मार करके कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ वाली, एंटी क्लॉकवाइज, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स किसमें मूव कर रहे होंगे, क्लॉकवाइज। तो इलेक्ट्रॉन्स अपनी पलटी मार गए, पहले वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे थे इस सिचुएशन में, अब किसमें पलटी मार करके मूव होना स्टार्ट हो गए, क्लॉकवाइज, जिससे एंटी क्लॉकवाइज करंट जनरेट हुई। तो ये जब तक अंदर आएगा, इसके अंदर मैक्सिमम नॉर्थ पोल जनरेट हो चुका होगा, हाँ कि ना, आ गया साहब।
जीरो से मैक्सिमम हो गया, लेकिन ये अपनी उस काइनेटिक एनर्जी के कारण जिसके पास पजेस है, अब 90 से जब तक यहां आया इस अपोजिशन के कारण इसके आने की टेंडेंसी इधर हो रही थी, इस पे कंटिन्यूएशन में हम रिपल्शन फोर्स भी लगा रहे थे, तो 90 न्यूटन के फोर्स से इधर आ रहा था, लेकिन इलेक्ट्रॉन चाह नहीं रहे थे कि अंदर आए, तो ये इस पे कंटिन्यूएशन में 10 न्यूटन का और फोर्स लगा रहे थे। अब ये इधर जब बाहर निकलेगा तब इसके पास एक्चुअल में कितने फोर्स वाली एनर्जी बच रही होगी, 90 - 10 80 न्यूटन जितनी एनर्जी बच रही होगी, या आप 80 जूल भी मान सकते हो। तो 80 जूल वाली एनर्जी से, 80 न्यूटन फोर्स वाली एनर्जी से ये आगे की तरफ वापस से बाहर आएगा, लेकिन कौन से डायरेक्शन में, प्लस के कैप, बिल्कुल बाहर। अब पहले अंदर गया था, बाहर। जब ये बाहर जाएगा तो फिर इलेक्ट्रॉन को गुस्सा आ जाएगा, ये क्या कर रहा है भाई तू, फिर बाहर जा रहा है ना, अभी तो हमने तेरे को अपोज किया था, अब तू बाहर क्यों जा रहा है, एक बार अंदर आ गया तो फिर क्या होगा, इस पर क्या लगेगा एक, तो ये बाहर जा रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है, तो ये इसकी मोशन इधर है, इस मोशन का क्या करेंगे सभी इलेक्ट्रॉन्स, अपोज। अपोज कैसे करेंगे कि इसको दूर बाहर ना जाने दे, बाहर नहीं जाने दे इसका मतलब ये अपने पास लेकर के आए, इसको अपनी तरफ खींचे, अपनी तरफ खींचने के लिए ये जैसे जैसे बाहर जा रहा होगा इसमें कौन सा पोल जनरेट होना चाहिए, एवरीवन साउथ। तो अब फिर से जो अंदर नॉर्थ पोल दिख रहा था वो एकदम से खत्म होकर के कौन सा पोल, जैसे ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा इलेक्ट्रॉन पलटी मार जाएंगे और इस तरह से कि करंट कैसी मूव हो जाए क्लॉकवाइज साउथ पोल बना दे ताकि ये इसको अट्रैक्ट करे। तो अब ये इधर की तरफ जा तो रहा था 80 न्यूटन वाले फोर्स से, लेकिन फिर से इसमें एक साउथ पोल डेवलप हो गया और इधर की तरफ फिर से 10 न्यूटन लग गया। इसका मतलब अब ये 80 न्यूटन जितनी दूर नहीं जा पाएगा, कितनी दूर जा पाएगा, 17 न्यूटन। फिर क्या ये प्रोसेस चलता रहेगा, खुद बताओ क्या होगा फाइनली, ये रुक गया, ये हुआ ना, ये शीट है ठीक है, पहले इधर ये मैक्सिमम आई, फिर ये यहां दूर यहां तक आई, फिर इधर 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 ठक रुक गई। क्या हम, क्या इस शीट को रोक दिया गया, क्या इसकी मोशन को रोक दिया गया, किसके थ्रू रोका गया, करंट इंड्यूस होने के कारण ठीक है। सो वेन एवर द मेटलिक शीट और पेंडुलम इज हैविंग सम मेटलिक शीट इज ऑसिलेटिंग, देन इट्स ऑसिलेशंस should be damped quickly by induced current which is known as eddy current. So eddy current, what is it is doing? It is opposing the oscillations. समझ में आया? अब इससे हुआ क्या? हर बार जब ये oppose कर रही होगी तो एक force इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, तो क्या heat generate होती कि नहीं होती? जब भी कोई दो चीजें आपस में भिड़ेंगी तो क्या होगा? Heat generate होगी। तो इसमें unnecessary इस पूरी oscillations के कारण, damp होने के कारण, इनकी motion decrease होने के कारण हीट जनरेट होगी। किस वजह से? उस मेटल में इलेक्ट्रॉन्स के घूमने की वजह से। आपने देखा है कि किसी भी मेटलिक वायर में नॉर्मल वन डायरेक्शन में भी जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो वो वायर क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? तो वो हीट जनरेट हो रही है। इसमें कंटिन्यूएशन के अंदर एक्स्ट्रा ये जो करंट हो रही है उसकी वजह से इसमें ये क्या होना चालू हो जाएगा? हीटअप होना चालू हो जाएगा। समझ में आ रही है? तो वो हीट हमारी क्या हो रही है? वेस्ट। तो ये कुछ लॉसेस हैं जो किसकी वजह से होते हैं? एडी करंट की वजह से। तो अगर मैं पूछूं तो यहां दो चीजें हैं, दो अच्छी चीजें, जैसे फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की जब बात करते हैं तो फ्रिक्शन इज नेसेसरी बट इट इज इट गिव्स सम डिसएडवांटेज, दैट्स व्हाई वी से दैट फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल। ठीक, ऐसे यहां एडी करंट है वो कुछ लॉस भी कर रही है हमारा और कुछ जगह फायदेमंद भी। लॉस तो इस टर्म्स में हुआ कि अगर इसको आप मोटर वगैरह में कहीं लगा रहे हो, क्योंकि मोटर का प्रिंसिपल ही यही है क्या, मैग्नेट के बीच में कॉइल को रोटेट करवाना, तो उसमें क्या होंगे? एडी करंट जनरेट होंगे। तो वो क्या करेगी? उसकी मोशन का क्या कर रही होगी? अपोज कर रही होगी। जिस डायरेक्शन में एक्चुअल में मोटर घूमनी चाहिए उसका उस स्पीड को स्लो कर देगी कौन? एडी करंट। लॉस हो गया तो एक तो मोशन का अपोज कर रही है, पहली चीज। एडी करंट का काम ही है ये मोशन का अपोज करना। दूसरी चीज, हीट जनरेट कर रही है अननेसेसरी, ये हमारा लॉस है। लेकिन बोलते हैं ना कि कई बार आपकी वीकनेस ही आपकी ताकत बनती है। वो वीकनेस क्या है? मोशन का अपोज करना। मोटर के अंदर ये डिसएडवांटेज है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि इसका एडवांटेज मुझे उठाना हो तो कहीं पे मुझे मोशन रोकनी हो तो वहां पे मैं इस कॉन्सेप्ट को उठा सकता हूं ना। कहां पे? ब्रेक लगाने मूविंग व्हीकल के अंदर, तो इस कॉन्सेप्ट को लिया जा सकता है। तो जो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स होती हैं, ये जो ट्रेन्स होती हैं,
उनके जो इलेक्ट्रिक ब्रेक्स हम बोलते हैं दैट वर्क्स बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल. ठीक है. अब हीट का, सर हीट का कैसे करोगे? और जो निकलती है अर्थ से उसके अंदर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इनको ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, आप ये बोल दो, या तो ये मूव करेंगे, या तो मैग्नेट मूव कर जाए या और मूव कर जाए. तो और को मैंने रख दिया और उसके चारों तरफ एक मैग्नेट्स को घुमा दूं तो भी क्या कंटिन्यूएशन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा होगा? वो इसके अंदर क्या जनरेट कर देगा? बीच वाले और के अंदर हीट. हीट से क्या पिघलना, मेटल पिघलना स्टार्ट हो जाएगा. उसको पिघल दिया हमने, पिघला दिया मतलब इंडक्शन फर्नेस. तो जो इंडक्शन फर्नेस का कॉन्सेप्ट है, इंडक्शन नाम ही क्या है, इंड्यूस से ही तो बना है इंडक्शन, जिसके अंदर बिना किसी फिजिकल कॉन्टेक्ट के हम पूरे मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. उसको सिर्फ पिघला करके, उसकी मिट्टी अलग हो गई, वो पिघल करके अलग आ गया मेटल एक्सट्रैक्शन के अंदर. तो इंडक्शन फर्नेसेस के अंदर, ठीक है. अच्छा साहब, इलेक्ट्रिक ब्रेक हो गया, इंडक्शन फर्नेस हो गया, यही कॉन्सेप्ट किसका है? आज जो हम यूज करते हैं इंडक्शन कुकर, आपने देखा है ना, इंडक्शन कुकर जो है जिसके ऊपर आप चपटा सा एक फ्लैट सर्फेस होता है, उसके ऊपर आप अपना कुछ भी यूटेंसिल रख देते हो, पानी वानी गर्म करना है, चाय वाय बनानी है, इलेक्ट्रिक वाला आप हाथ लगाओगे तो जलता नहीं है. ठीक है, वो क्या हो रहा है, मेटल में क्या जनरेट कर दे रहा है, समझ में आया, इंडक्शन कुकर के अंदर. ठीक है, इलेक्ट्रिक ब्रेक हो गया, इंडक्शन. तो इस तरह की जो जो भी पॉसिबिलिटीज है उन सभी जगह में एडी करंट को यूज किया जाएगा. तो कितनों को ये अच्छे से समझ में आया? इसकी एप्लीकेशंस ये तो हुई, इसकी एप्लीकेशंस और इसकी एक्सपेरिमेंट, दो तीन एक्सपेरिमेंट हम एक दो और करेंगे बाद में. कितनों को यहां तक सब कुछ क्लियर है? लाइक तो देखिए यहां पर, अच्छा इसकी एप्लीकेशंस के अंदर, इसकी एप्लीकेशन के अलावा जो हमारा लॉस हो रहा था वो लॉस क्या देख रहे थे हम? मोशन का अपोज करना, यानी कि मोशन को रोक दे रहा था इसके ऑसिलेशन को. तो हम कुछ ऐसे तरीके चाहेंगे नेक्स्ट टर्न पर जिसके थ्रू ऑसिलेशंस ये जो बहुत जल्दी खत्म हो गए थे वो जल्दी खत्म ना हो, यानी कि मोशन देर तक चले, उसके लिए क्या हम कुछ कर सकते हैं, क्या ऐसा काम कर सकते हैं जिसके थ्रू जो मोशन है वो जल्दी खत्म ना हो, देर तक बनी रहे, इसी में क्या मैं ऐसा मॉडिफिकेशन करूं, उसको देखते हैं नेक्स्ट टर्न पर. ठीक है शाम, इज दैट